फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मसाला भिंडी। तो भिंडी मसाला के लिए ये मैंने 500 ग्राम भिंडी ले रखा है और उसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट करके रखा है। बहुत ज़्यादा छोटे पीस नहीं करने हैं। और इधर मैंने एक पैन चढ़ा रखा है और अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर पहले ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑयल जो है सो ये गरम हो चुका है और अब मैं इसमें जो भिंडी है वो हम डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। अब जो है तो इसे फ्राई झटझट कर करें और आप जो है इसमें हीट को जो है सो थोड़ा मीडियम हाई पर रखें ताकि भिंडी पूरी तरह से गले नहीं फ्राई करने से पहले हो। अब इसे हम फुल जैसे ही ढक देते हैं। जब तक इधर हमारी भिंडी फ्राई होती है हम अपने कुछ मसाले पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने करीब 3 से 4 टेबल स्पून मूंगफली के दाने लिए जिसको कि रोस्ट करके और उसके छिलके निकाल कर पानी में करीब 1 घंटे के लिए फूलने के लिए डाल दिया था। और इसके साथ जो है तो हम कुछ और मसालों को पीसेंगे। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर स्क्रैप किया हुआ नारियल है। आप चाहे तो ताज़ा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ड्राई लिया हुआ है। करीब 4 से 5 क्लोव्स लहसुन के और 1 इंच के बराबर हम अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। और तब तक हम अपना भिंडी है वो भी देखें ताकि वो जले नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हम इस मसालों को पीस लेंगे। इसको पूरी तरह से पेस्ट बना लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो भिंडी है वो अब फ्राई हो चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो है सो हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए अब हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ऑयल अब गर्म हो चुका है। अब हम पहले इसमें अपना फोरन डालेंगे। तो ये ग्रीन चिली मैंने स्लिट करके रखा हुआ है, इसको अब हम पकने के लिए देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो चिली है वो पक चुका है और अब हम इसमें अपना 5 फोरन देंगे और कुछ पत्तियां करी पत्ता के डाल देंगे हम और इसको भी हम फ्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो मसाला है वो तड़क गया है और अब मैं इसमें जो है तो करीब 1 लार्ज प्याज मैंने फाइन कट करके रखा हुआ है, उसको अब हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो प्याज है वो फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें जो मैंने मसाले ग्राइंड करके रखे थे अब हम वो मसाला डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मसाले मैंने डाल दिए और अब हम अपना कुछ ड्राई मसाला भी डालेंगे। तो ये मैंने करीब 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर लेके रखा है, वो डालेंगे। और ये मैंने करीब 1 टेबल स्पून के बराबर 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर मिक्स मसाला लिया है जिसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गर्म मसाला है, वो भी हम डाल देंगे। और करीब 1/2 टेबल स्पून के बराबर ये अमचूर पाउडर ले रखा है मैंने, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स, रेड चिली पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं और चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं।
तो इसमें मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिल्ली पाउडर डालूंगी। तो फ्रेंड्स, अपने इन मसालों को आप अच्छे से भून ले पहले। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो मसाला है वो फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए भिंडी डाल देंगे और अब हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट थोड़ा सा संभल के ही दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि भिंडी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें तो कम ही सॉल्ट लगता है, तो थोड़ा ध्यान से नमक डालें। और अब हम अपने इस भिंडी को मसालों में मिक्स कर लेते हैं। आप इसे थोड़ा सा पानी भी डाल दें, बस बिल्कुल बहुत थोड़ा सा, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो सब्जी में मिक्स हो जाए। बस उतना ही पानी डालना है। और हम इसे अच्छे तरह से चला लेंगे और थोड़ा ड्राई होने तक हम इसे भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है और अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और हम अपना स्टोव बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये मसाला भिंडी तैयार हो चुका है। अब आप अपने इस सब्जी को आप किसी भी रोटी आइटम्स और जीरा राइस के साथ खा सकते हैं। आप अपने फैमिली को खिलाएं, फ्रेंड्स को खिलाएं और हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। बाय बाय फ्रेंड्स।